This is Advocate Sadiq Lagari. So this is our new topic, President. Basically, it is referred from World United States of American Constitution. It is also part of United States American Constitution. So basically, we all covered our previous lectures in about silent features of United States Constitution. So here is the new word, President. ये प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए वीडियोस आप तक आती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट एक पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या होता है आइए हम डिस्कस करते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद प्रेसिडेंट्स, मींस जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो दारोमदार पूरे प्रेसिडेंट पे है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स में। और ये एक चीफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी है, मींस पॉलिटिकल सिस्टम पे भी ये उसका चीफ होता है और बहुत ही मतलब सबसे हाई रैंक में होता है पॉलिटिक्स में। एंड द थर्ड वन इज हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, एज वेल एज ही इज आल्सो कवर्ड दीज कंडीशंस। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये फेडरल सिस्टम का भी एक पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। एंड आइए हम इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन को देखते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। ये दारोमदार पे अपने ऊपर मतलब निर्भर किस निर्भर करता है या नहीं करता, उसके लिए बेसिकली हमें इसकी क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी। क्वालिफिकेशंस क्या होती है प्रेसिडेंट की, तो आइए सबसे पहले हमारे पास आता है USA। हम इसको आगे लिखते हैं, सिंस 14 इयर्स मींस के प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो मींस के प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको चाहिए कि वो 14 साल से अमेरिका का शहरी हो, ये फर्स्ट पॉइंट है, और उसमें रह रहा हो। वो 14 साल से रह रहा हो और एज वेल एज वो अमेरिकन का नेशनलिटी उसको हासिल हो प्रेसिडेंट के लिए। और उसकी एज क्या होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, he should be 35 years. He should be at least 35 years. Means president बनने के लिए उसको 35 years से above होना लाजमी है। उसको 36 के बाद या 35 years तक उसको American president बनाया जा सकता है इन 14 साल के
एज में, मींस के 35 इयर्स के वो रह रहा हो और वो 14 साल से मतलब अमेरिकन का सिटीजन हो, इसमें कवर कर चुका हो 35 इयर्स में, तभी वो पहले प्रेसिडेंट बन सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लास्ट में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उसका ट्रेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो 4 इयर्स का होता है, वो आगे बढ़ भी सकता है, 8 साल तक जा सकता है, लेकिन वो तब जाएगा जब वो प्रेसिडेंट नेक्स्ट इलेक्शन विन करेगा, तभी वो 8 साल के लिए कवर करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन का प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ओबामा, जो बराक ओबामा थे, तो उन्होंने 2 बार वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरी बार भी अगर मतलब अलाव होती तो मैं आपको तीसरी बार भी मतलब जितवा के मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा होता प्रेसिडेंट के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 साल के लिए मतलब 2 टाइम अलाव है, 4 ईयर्स जिसमें मीन्स 8 साल आप प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, 4 ईयर्स फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड ईयर अनदर 4 ईयर्स। सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर यूनिवर्सिटी जस्टिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आया हो, मैं अच्छी तरह से समझा सका हूँ। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।